असलम आईकम डर वीवर्स वेलकम टू ऐसे क्रिएटिव वर्क तो डियर वीवर्स जो आज का वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गैस पेपर, केमिस्ट्री, बी एस सी सिक्स सेमेस्टर स्पेक्ट्रास्कोपी का होपफुली ये गैस पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद एट्थ को कंडक्ट किया जाएगा एट्थ ऑफ मे को और वहाँ पे आपको इंग्लिश के बाद एक ही गैप मिलता है रिवाइज़ करने के लिए तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सेलेबस कंप्लीट किया है बेस्ट ऑफ लक और इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाएँ क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सेलेबस नहीं कंप्लीट किया है उनके बारे में क्या ही कह सकते लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं अगर पॉसिबल हो सके तो इन टॉपिक्स को ज़रूर जरूर पढ़ के जाएँ इनके बगैर एग्ज़ाम में जाने का वो सोचें भी नहीं तो चलो बिना देरी किए हम अपने वीडियो की ओर आते हैं और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस पेपर में बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा बहुत सारे पेपर्स मैंने कंसल्ट किए और इसको मैंने प्रिपेयर किया इनशाला ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा उसके बाद आप लोग कमेंट करना अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो हम पहले आपका फर्स्ट यूनिट देखते हैं जो स्पेक्ट्रास्कोपी फर्स्ट आपकी है जिसमें आपकी स्पेक्ट्रास्कोपी एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम आता है इसमें आपका सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो ई एम आर बनता है जो कि आपको शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं पीक पोजिशन पीक एंटेंसिटी एंड पीक वेडथ भी आपको पूछ सकते हैं लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं देन आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ आन ओफन हाइमर अप्रोक्सिमेशन ये वाला क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं अब यहाँ पर अगर देखें लॉन्ग आंसर में आपको मोमेंट ऑफ एनर्शा आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शा और यहाँ पे ये आपको फाइव मार्क्स का पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंड यहाँ पे आपको सिक्स क्वेश्चन uh, जो मैंने यहाँ पे रखा है सिक्स टॉपिक जो आपको मैंने यहाँ पे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंग्थ इन डाइटामिक मॉलिक्यूल्स ये वाला क्वेश्चन आपको फाइव मार्क्स का पूछ सकते हैं एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड डाइटामिक मॉलिक्यूल्स डाइटामिक रोटर जो ये है एनर्जी ऑफ रिजिड डाइटामिक रोटर ये किसका है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोटेशनल सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ रोटेशनल यहाँ पे एनर्जी ऑफ रोटेशनल रिजिड डाइटामिक रोटर यहाँ पे आपको रोटेशनल ये वाला क्वेश्चन आपको एट मार्क्स का पूछ सकते हैं पाँच मार्क्स का भी पूछ सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपका फोर फाइव एंड सिक्स है ये आपको बी और सी सेक्शन में पूछ सकते हैं देन हम आपके यूनिट सेकंड की ओर आते हैं यूनिट सेकंड में आपका जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास्कोपी है इसमें सबसे पहले आप डिफाइन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास्कोपी और उसका क्या सिलेक्शन रूल रह, रहता है वो पढ़ के जाएँ देन हम सेकंड uh, टॉपिक को देखें जो है क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर देखें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं एक आपका यहाँ पे रहता है क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ एस सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर दूसरा क्वेश्चन रहता है ये ऐसे भी पूछ सकते हैं explain क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ simple harmonic oscillator या ऐसे पूछ सकते हैं explain quantum मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल harmonic oscillator ये फाइव फाइव मार्क्स के दो क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं या ये एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एस एच ओ ये यहाँ पे देन एट मार्क्स का बन सकता है प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पाँच मार्क्स का या आठ मार्क्स का पूछ सकते हैं एंड यहाँ पे आप एक बात ना भूलें कि ये ये जो क्वेश्चन है यह है पेवर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ना कि रोटेशनल इसमें आपको क्वेश्चन रोटेशनल स्पेक्ट्रम का भी पूछ सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है ये वाला क्वेश्चन आपको रोटेशनल में पूछ सकते हैं एनर्जी ऑफ रिजिड डायटॉमिक रोटर या रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल इसको लिखें रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी देन यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बनता है मॉलिकुलर ट्रांजिशन और इसकी टाइप ये वाला क्वेश्चन आपको फाइव मार्क्स में पूछ सकते हैं और इनमें से कोई पार्ट आपको तीन मार्क्स में भी डाल सकते हैं लेकिन ओवरऑल uh, जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहता है देन यहाँ पे ग्रुप फ्रिक्वेंसी एंड फिंगरप्रिंट रीजन सिक्स क्वेश्चन आपका रहता है इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन आई आर एब्जॉर्व यहाँ पे आपके लाज हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रहते हैं तीन आठ या पाँच मार्क्स के सेक्शन में लाज में से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके पास थ्री लाज हैं ग्रोथ रेपर ला है आ, बीर लैम्पर ला है एंड uh, स्टॉक एनस्टाइन ला है ये तीनों ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है और आसान है आप पढ़ के जाएं। मोलर एब्जॉर्बिटिटी एंड क्वान्टी ये आपको तीन मार्क्स में, में पूछ सकते हैं देन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्मस ये भी आपका थ्री मार्क्स का बन सकता है देन बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये भी आपका थ्री मार्क्स का बन सकता है ओवरऑल ये जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है इसमें ज़्यादा जो है शॉर्ट टर्म्स हैं ये आप देखें इनमें थ्री मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रहता है जिब्लॉन्स के डायग्राम ये आपको आठ मार्क्स का पूछ सकते हैं इसमें फ्लोरीसेंस इन फ्लोरीसेंस इंटरकनवर्जन इंटरकनवर्जन सिस्टम वो वगैरह आते हैं वो सब आप पढ़ के जाएँ क्योंकि ये एट मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है ये जो है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एंड सालवेंट्स ऑन एबजॉपन बेंडस इन अल्ट्राविजिबल स्पेक्ट्रास्कोपी ये क्वेश्चन जो आपको मैंने यहाँ पे रखा है ये वाला क्वेश्चन भी आपको फाइव एंड एट मार्क्स का बन सकता है अब हम यूनिट फोर की ओर आते हैं यूनिट फोर में आपका जो रहता है यहाँ पे अगर हम शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखें तो शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स आपको पूछ सकते हैं शार्ट आंसर में पूछ सकते हैं एंड यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स फाइव मार्क्स का भी बन सकता है इक्विलेंट एंड नॉन इक्वलेंट प्रोटॉन्स ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं केमिकल शिफ्ट है इसके साथ अगर कोई एग्जाम्पल डाली तो इसको आपको पाँच मार्क्स का पूछ सकते हैं अदरवाइज केमिकल शिफ्ट जो है सिर्फ थ्री मार्क्स का बन सकता है देन कपलिंग कॉन्स्टेंट फॉर विस्नल जर्मिनल एंड लॉन्ग रेंज कपलिंग ये वाला भी आपको फाइव मार्क्स का पूछ सकते हैं एंड रही बात इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन की वो क्वेश्चन आपका रहता है क्वेश्चन एच वन स्पेक्ट्रा इथाइल ब्रोमाइड इथनॉल, एल्डिहाइड, इथाइल एस्टेट मिथाइल प्रोपनेट टोलिन एंड एस्टोफिन पिछले साल की अगर बात करें तो वहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड एंड इनमें से कोई एक और आया हुआ था लेकिन इस साल फिर से आप इथाइल ब्रोमाइड पढ़ें क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड जो है ये रिलेटेड रहता है इसमें पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें जो एज एन ए मार्सपैक्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें एंड इनमें से किसी एक को आप अपने तरीके से पढ़ें अगर आपके पास कम टाइम है अगर जिन बच्चों ने पढ़ा वो रिवाइज़ अच्छे से करके जाएँ क्योंकि इनमें से आठ मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है और रहा सिक्स जो पोर्शन सिक्स जो आपका टॉपिक सिपन सिपिनपरेटिंग सेपन सिपिन सपलेटिंग आपको थ्री एंड फाइव मार्क्स का पूछ सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसको थ्री मार्क्स का ही पूछा जा सकता है तो डियर वी ये था आपका गेस्ट पेपर गेस्ट पेपर रहता है कि आप रिवाइज करें इसको देख के गेस्ट पेपर रहता है कि आपके पास अगर कम टाइम है तो आप इसको देख के करें होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा आप एग्जाम देने के बाद मेरी वीडियो पे आके लाइक कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अदर गेस्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें असल एंड फीम